जय हिंद। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि असम राइफल का जो आपका पेमेंट स्लिप, बहुत लोग परेशान हो गए हैं कि सर मेरा उस समय क्या हुआ, जब पेमेंट कर रहा था तो जो DU नंबर आता है वो नहीं आया, जो पेमेंट रिसिप्ट होता है वो डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं आया क्योंकि वहाँ पे सर्वर एरर हो गया। तो उसके बारे में बात करूँगा कि आप पेमेंट रिसिप्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि ऑनलाइन SBI कलेक्ट लिख दीजिए। SBI कलेक्ट लिखने के बाद आपको यह लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वैसे आप ये देख सकते हो। यहाँ से इसको क्लिक करने के बाद आप ये आ जाओगे, यहाँ पे देखिए आई हैव रेड एंड एक्सेप्ट पे प्रोसीड पे करेंगे। प्रोसीड पे करने के बाद यहाँ पे आप टॉप पे आ जाइए, तो यहाँ पे देखिए रिप्रिंट रेमिटेंस फॉर्म को, मैं रेमिटेंस बोल रहा हूँ, और यहाँ पे सेलेक्ट डेट रेंज आपको क्या मिल जाएगा, दो तरीका मिल जाएगा किस तरीके से आप करने चाहते हो। DU रेफरेंस नंबर से निकालना चाहते हो तो इससे निकाल सकते हो, 1, 2, 3 तरीके से आपको जैसे निकालना है उस तरीके से निकाल सकते हो। यहाँ पे आपको क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ आप कैलेंडर के हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर लिखना है, जिस मोबाइल डिजिट से आप करके निकाले हो फॉर्म में जो डाला गया है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट डेट, कब से कब तक का चाहिए, कब से कब तक आपका कियो, जब आप फॉर्म भरे तो आपको पता है कि जून जुलाई मई में जब भी आप भरे हो यहाँ पे लिख दो, एक मई में लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पे एक डेट डाल दे रहा हूँ कि आपका एक अगस्त क्या, मैं जुलाई कर दे रहा हूँ, जुलाई कितना कर दूँ, 15 कर दूँ। जब भी आप फॉर्म भरें आप उस ब्लॉक को सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि कैप्चा कोड लिखना है। कैप्चा कोड लिखने के बाद आपको गो पे करना है। जैसे ही आप गो पे क्लिक करोगे तो आपका जितना भी ट्रांजेक्शन उसके बीच में हुआ रहेगा वो ओपन होकर के आ जाएगा। अगर आपका ऐसे लिख दे रहा है नो पेमेंट डिटेल्स अवेलेबल फॉर द सेलेक्टेड, तो आप फिर से यहाँ पे आ जाइए, पेमेंट हिस्ट्री पे आ जाइए। अगर वहाँ से नहीं हो रहा है, पेमेंट हिस्ट्री से नहीं हो रहा, तो आप DU रेफरेंस नंबर भी डाल के एक बार निकाल सकते हैं, देख सकते हैं किसी न किसी तरीके से आपका काम कर देगा। फिर से मैं डेट ऑफ बर्थ को भर दे रहा हूँ। आप यहां से आके आप अपना एक बार पेमेंट स्टेटस थोड़ा सा चेक कर सकते हैं कि कब आपका कटा है। देखिए 6 जून 2022 को कटा है, और आपका आपका चालान नंबर इससे भी आप निकाल सकते हैं, यही मैं आपको बता रहा था 6 जून 2022 को हुआ। चलिए मैं यहां पे अपना भर लेता हूं, कब का हुआ है, अप्रैल मई जून का, जून 1 से निकाल रहा हूँ, कब तक का निकालूँ मैं, अगस्त 1 तक का देख लिया जाए। और फिर से नीचे आके आपको क्या करना है कि कैप्चा को इंटर करने के बाद इंटर पे करता हूँ, गो पे देखा जाए, सर्वर इसका थोड़ा सा बिजी चल रहा है। देखिए अब यहाँ पे आ गया आपका, देखिए ओपन होकर के आ गया DUJ10, और यहाँ पे मैं DUJ10 7084 करके आ गया ना। यहाँ पे आप देख लीजिए एक बार, यह पेमेंट इतना हुआ, और यहाँ से आप प्रिंट पे क्लिक कर सकते, प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो फॉर्म भरा गया था आपके, यहाँ पे देखिए आ गया, मैं इसको ब्लर कर दे रहा हूँ, आप एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिए। अब मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप प्रिंट पे करिए। प्रिंट पे करने के बाद यहाँ से मैं सेव PDF कर लेता हूँ। सेव PDF पे करने के बाद सेव इंटर कर दिया, तो यही है आपका तरीका। और आपको मैं लास्ट में जाते जाते बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे आप इन सारी वीडियोस को असम राइफल के रिगार्डिंग आप देख सकते हैं नेशनल कोबरा के यूट्यूब चैनल पे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।